नमस्कार, तीखी नजर इंडिया न्यूज से मैं नर्मदा कुमारी। नेशनल जागरण पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार की उपस्थिति में प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता विकास कुमार गौरव ने पटना प्रशासन द्वारा पुनः लॉकडाउन लगाए जाने के विषय में अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता की। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवल किशोर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय पांडे, प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती बीना तिवारी, प्रदेश सचिव सदानंद पांडे, पटना महानगर महासचिव रजनीश कुमार, नवादा जिला अध्यक्ष पवन कुमार, पटना ग्रामीण अध्यक्ष ओमकार कुमार, सूरज कुमार, मनोहर राय, जामिल अहमद एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे बीच नेशनल जागरण पार्टी प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता विकास कुमार गौरव जी मौजूद हैं, उनके साथ हमारे कुछ बात। विकास जी, जिला प्रशासन पटना द्वारा पुनः लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए लगाया गया है, इस निर्णय पर आपकी क्या राय? सबसे पहले तीखी नज़र इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन के निर्णय के साथ हमारी पार्टी सहमत है, लेकिन सबसे पहले जनता का जान प्यारा है। राजनीति तो बाद में होती रहेगी, लेकिन सत्ताधारी राजनीतिक दल अपने सुविधा अनुसार कभी लॉकडाउन कभी अनलॉकडाउन करते हैं, इससे अंततः जनता को ही नुकसान उठाना पड़ता है। क्या बता सकते हैं कि बिहार के विपक्षी दलों के द्वारा विधानसभा चुनाव कोरोना महामारी के कारण समय पर नहीं कराने की मांग की जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समय पर चुनाव न हो, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस कोरोना महामारी में जनता की जान का खतरा न हो, इसलिए केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के नियम के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव की तारीख की घोषणा न करें जब तक कोरोना महामारी का प्रकोप कम न हो जाए। हमारी पार्टी पटना में लॉकडाउन के बाद एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार को एक ज्ञापन सौंपेगी और उनसे आग्रह किया जाएगा कि चुनाव का समय बढ़ाने का निर्णय लें, जिससे जनता की जान की खतरा टल सके। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.